लॉकडाउन में फंसे बच्चे को लाने के लिए मां ने तय किया 1400 किलोमीटर का फासला। तेलंगाना के निजामाबाद की रहने वाली एक महिला शिशिका प्रदर्शन में लागू सख्त लॉकडाउन के बीच अपने एक सहारनपूर्ण काम की वजह से चर्चा में है। निजामाबाद के बोधान में एक स्कूल में पढ़ाने वाली राज्य बेगम लॉकडाउन के कारण आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में फंसे अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए अपनी स्कूटी से ही निकल पड़ी। तकरीबन 1400 किमी दूर की स्कूटी से तैर करने के बाद आखिरकार वह अपने बेटे को घर वापस लाने में सफल रही। लिखेरन रजिया ने लॉकडाउन के बाहर निकलने के लिए पुलिस से अनुमति ली थी। नेल्लोर पहुंचने तक उन्हें रास्ते में कहीं जगह पर रुकना पड़ा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारी को कन्विंस करते हुए नेल्लोर तक की यात्रा तय की। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए आसान नहीं था। मामला ऐसा है कि राज्य का बेटा निजामुद्दीन हैदराबाद में एक कोचिंग स्थान में पढ़ाई करता है। वह इंटरमीडिएट का छात्र है। बीते महीने निजामुद्दीन नेल्लोर के रहने वाले एक दोस्त के साथ अपने घर बोधान आया था। इस दौरान निजामुद्दीन के दोस्त को खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। जानकारी मिलते ही 12 मार्च को निजामुद्दीन अपने दोस्त को लेकर नेल्लोर निकल गया। इसी बीच कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद वह घर वापस नहीं आ सका। नेल्लोर से बेटे की वापस की कोई राह ना पाकर राज्य ने बोधान के ACP से संपर्क साधा और उन्हें सारी बात बताई। पुलिस से अनुमति पत्र लेकर राज्य ने अपनी स्कूटी से ही नेल्लोर जाने का फैसला तय किया। वे 7 अप्रैल को नेल्लोर पहुंच गई। निजामुद्दीन को साथ लेकर वे तुरंत वहां से निकल पड़ी और 8 अप्रैल को बोधान वापस लौट आई।